वैष्णो देवी मार्ग पर हिमकोटी के पास लैंडस्लाइड हुआ है। इस घटना में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल हुआ है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लैंडस्लाइड के बाद पैदल मार्ग पर बना टीनशेड टूटते हुए देखा जा सकता है। रियासी के जिला आयुक्त ने मौत की पुष्टि की है और घायलों को इलाज के लिए कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया है। हादसे के बावजूद पुराने रूट से यात्रा जारी है। अधिकारियों के अनुसार दोपहर करीब 2:35 पर भवन से 3 किलोमीटर आगे पंछी के पास भूस्खलन हुआ, जिससे ऊपरी लोहे की संरचना का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। भूस्खलन के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया है, लेकिन घायलों की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए साल भर देश भर से श्रद्धालु आते हैं और नवरात्रि के दौरान यहां भीड़ बढ़ जाती है। श्रद्धालुओं की यहां की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। हालांकि बारिश के मौसम में यात्रा के मार्ग में फिसलन के कारण चढ़ाई मुश्किल हो जाती है, जिससे श्रद्धालु आने से बचते हैं। इस साल अब तक 6,707,604 लोगों ने वैष्णो देवी की यात्रा की है, जिसमें से 3,32,588 लोगों ने हेलीकॉप्टर का उपयोग किया है।